गाइस अभी ना बाहर से बहुत तेज कुछ चीज गिरने की आवाज आई है और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। अरे फ्रैंकल भैया क्या हुआ यार, इतनी तेज आवाज कहाँ से आई? अबे सिंचन तू सोता रहा है, बाहर ना बहुत तेज बारिश आ रही है, पता नहीं क्या चीज गिरी है, रुक जा सिंचन मैं जाकर देख के आता हूँ। अरे बाबरे गाइस कितना अजीब सा मौसम हो रहा है, मेरे को तो काफी डर भी लग रहा है, पता नहीं गाइस क्या गिरा है। ऐसा लगा गाइस ऊपर से ना हमारे घर पे बहुत बड़ा पत्थर गिरा है, जाके चेक करना पड़ेगा। अबे चौप तू जिंदा है क्या, मतलब तू सोया तो नहीं है? गाइस ये चौप भी कुछ नहीं बोल रहा, पता नहीं क्या गिरा है, मेरे को खुद ही जाके देखना होगा। अरे गाइस ये देखो कितना बड़ा प्लेन, अरे बाबरे गाइस ये मेरे घर पे क्रैश हो गया, इसका मतलब गाइस अब मेरे को देखना होगा इसके अंदर कितने लोग थे, वो सही सलामत तो है, उनको कुछ हुआ तो नहीं, जल्दी जाना होगा भगते हुए। अबे चौप तू कहां है? अब बात सब कर लुए नीचे आ भाई, ये देख प्लेन गिरा हमारे घर पे। अबे चौप इसके अंदर कितने लोग थे? अब बात सब कर लुए, मुझे नहीं पता भाई, बहुत डर लग रहा है बात सब देख के भाई, कितने लोग है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा भाई, ऊपर से आके हमारे घर पे गिर गया। गाइस देखना पड़ेगा यार, ये तो बहुत ही बड़ा प्लेन है और ये हमारे घर पे क्रैश हो गया, जल्दी जाना होगा। और गाइस देखता हूं इसके अंदर कितने लोग हैं, वो सही सलामत तो है ना, उनके कुछ लगी वगी तो नहीं है चोट वोट? ये चढ़ गया। अरे कौन, अरे गाइस ये कौन लेटा हुआ है? अरे कौन हो यार आप, ठीक तो हो ना? अरे बेटा प्लेन क्रैश हो गया बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो बेटा मुझसे चलाया नहीं गया। अरे अरे ये बताओ इसके अंदर और कितने लोग हैं? अरे बेटा इसके अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ बेटा मैं ही अकेला था और बेटा मैं लग रहा है मरने वाला हूँ। अरे अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये बताओ प्लेन कैसे क्रैश हो गया? अरे बेटा मेरे से चलाया नहीं गया बेटा, एकदम से तेरे घर पे आके गिर गया बेटा। बेटा मैं बहुत जादुई बाबा हूँ बेटा, मैं तेरे अंदर अपनी शक्तियाँ देके जाऊंगा बेटा, उन शक्तियों का गलत यूज मत करियो। अरे मेरे को लग रहा है आपका ना मानसिक संतुलन हिल गया है, चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा ध्यान से सुन बेटा, तू जो भी गाड़ी में बैठेगा वो गाड़ी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और बेटा तू सिर्फ 4 या 5 गाड़ी को ही गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है, ये बेटा मैंने अपनी पावर तेरे अंदर दे दी। अरे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसी गाड़ी में बैठूंगा और वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी? हाँ बेटा ये जादुई पावर है जो कि मैं तेरे अंदर देके जा रहा हूँ, इससे बेटा तू काफी अमीर हो सकता है उन गाड़ियों को बेच करके। चल बेटा जाने का टाइम हो गया। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, ये कैसा अजीब सा धुआं निकल रहा है? गाइस मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा है, ये क्या हुआ? अरे गाइस वो बाबा कहाँ चले गया? गाइस वो बाबा तो सच में ही जादुई बाबा था यार। गाइस इस प्लेन के अंदर से वो बाबा निकला और वो जादुई बाबा निकला, मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा है यार, जाना पड़ेगा। अरे सिंचन कहाँ है तू यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है, भूत आया हमारे घर पे, जल्दी से गाइस सो जाता हूँ यार, वरना तो गाइस मेरे को बार बार सपने आते रहेंगे यार उस बाबा की। अरे वाह चलो सुबह हो गई, जल्दी जाके कुछ खा लेता हूँ। लेकिन फ्रैंकल भैया कहाँ चले गए, हमेशा टीवी देखते रहते थे सुबह सुबह, आज पता नहीं कहाँ चले गए। देखो यार यहाँ पे किचन में कुछ रखा है। अरे यार यहाँ पे तो वही सेब के लिए रखे हुए हैं, चिप्स नहीं रखा यार, चिप्स खाने का बहुत मन कर रहा था। अरे गाइस आपको पता है रात को ना बहुत तेज बारिश आ रही थी, हमारे घर पे कुछ गिरा। अरे गाइस ये प्लेन कहाँ से आ गया, कहीं रात को यही तो नहीं गिरा हमारे घर पे। लेकिन फ्रैंकल भैया कहाँ चले गए, फ्रैंकल भैया कहाँ हो तुम, यहीं से कूद जाता हूँ यार, ये लोग कूद गया। अरे फ्रैंकल भैया किद है, ये तो मजे से सो रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे फ्रैंकल भैया उठ जाओ। सिंचन मैं कहाँ हूँ सिंचन? अरे फ्रैंकल भैया घर में हो? हाँ वो बाबा सिंचन बाबा। अरे क्या बोल रहे हो यार, कौन सा बाबा? अरे मैं गाइस बाबा कहाँ चले गए यार, मेरे सामने ही तो था। अरे उठ जाओ यार सपने में हो क्या? अरे मैं क्या सपना देख रहा था? अरे नहीं नहीं गाइस रात को ना रियल में बाबा भी आया था। अरे फ्रैंकल भैया कौन सा बाबा यार, वो तो तुम्हारे सपने के अंदर आया था अभी। अरे नहीं सिंचन इधर आ जल्दी से। गाइस यहीं पर वो बाबा था वो अचानक से गायब हो गया, और वो ना गाइस इस प्लेन के अंदर से निकला था, उसने ये प्लेन क्रैश कराया मेरे घर पे। गाइस इसके शीशे देखो यार पूरे चटक चुके हैं गाइस, और अंदर से भी ये हालत खराब हो चुकी है इस प्लेन की, और गाइस सीट वीट सब कुछ तहस नहस हो गई है। गाइस ये अच्छी बात रही, इस एरोप्लेन के अंदर ना सिर्फ एक अकेला वही बाबा था, अगर गाइस इसके अंदर ज्यादा लोग होते ना तो गाइस उनकी भी हालत काफी खराब हो जाती है। अरे फ्रैंकल भैया कौन बाबा, कैसा बाबा, मुझे भी तो कुछ बताओ। अबे सिंचन रात ने इस हेलीकॉप्टर को ना एक बाबा चला रहा था और उसने ये हमारे घर पे क्रैश करा था प्लेन। अरे अच्छा अच्छा उस बाबा ने प्लेन क्रैश कर दिया, उसे प्लेन चलाना आता भी था? अबे हां सिंचन उसे प्लेन चलाना आता था, और उसने ना मेरे को पावर दिया, मैं जौन से भी 5 गाड़ी में बैठूंगा ना वो 5ों गाड़ी को मैं गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं। अच्छा फ्रैंकल भैया ऐसा हो सकता है क्या, वो बाबा झूठ बोल रहा है? अबे नहीं सिंचन वो झूठ नहीं बोल रहा, उसके बाद ना वो गायब हो गया था एकदम से। अच्छा अच्छा फ्रैंकल भैया ऐसा हुआ था क्या? अरे भैया कोई है घर पे, भैया आ जाए अंदर आ जाए। अरे गाइस कौन आ गया हमारे घर के बाहर चिल्ला रहा है, जाके चेक करना पड़ेगा। अरे भैया आ जाए भैया कोई है घर में, भैया मैं ऐसे घुस जाए क्या घर में? अब आवाज सब कर लो बाहर जाके देख लो भाई, कोई आवाज लगा रहा बहुत देर से। हाँ चौप तू क्यों टेंशन ले रहा है, जाके देखना पड़ेगा। गाइस ये तो पुलिस लग रही है मेरे को। आओ भैया आओ बाहर आओ भैया, तुम्हारे घर पे प्लेन गिरा है रात को भैया, हमें पता लगा है न्यूज के कारण। अरे हाँ गिरा तो? अरे भैया उनको लेके जाना है प्लेन को, अब तुम मुझसे कबाड़ी वाले को बेच के तुम्हारा पैसा कमा लोगे, ऐसा तो नोन देंगे, वो सरकारी प्रॉपर्टी है। और ये बताओ उसके अंदर कितने लोग थे? अरे भाई उसके अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ एक बाबा ही था, वो भी अचानक से गायब हो गया। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अटपटी सी गायब कैसे हो गया वो? अरे नहीं वो एकदम सही सलामत था, वो उसने मेरे अंदर पावर। अरे फ्रैंकल भैया पावर की बात मत बताओ इनको। हाँ सिंचन सही कह रहा है, मतलब वो बाबा ने एकदम से चले गया अपने घर चले गया। अच्छा भैया तुम्हें भी देखेंगे भैया न्यूज में, सब पता लग जाएगा। अभी हम तुम्हारा प्लेन यहाँ से लेके जाएंगे और फिर तुमसे बाद में बातें करते हैं, ठीक है? ठीक है जल्दी जाओ और अपना काम करो, यहाँ पे ज्यादा
बातें मत करो, ठीक है भैया जाओ जा, जा रहे भैया जा रहे। आजा सिंचन जी दुकान चलते हैं, दूध लेके आते हैं यार, मेरा तो बहुत ही चाय पीने का मन कर रहा है। सुबह सुबह ये लोग आ गए, इनकी शक्ल देखने को मिल गई। हाँ फ्रैंकल भैया चलो यार मेरे को ना चॉकलेट भी दिला देना, बहुत मन कर रहा है खाने का। अबे सिंचन ये देख अपनी बाइक गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई। अरे हाँ फ्रैंकल भैया यार मतलब उस बाबा की बात सच हो गई, सिंचन कोई देख तो नहीं रहा ना। अरे फ्रैंकल भैया वो जितने लोग थे वो घर में चले गए। हाँ ये सही है, वो सारे घर में चले गए, उनको पता नहीं लगेगा। सिंचन जल्दी अपनी गाड़ी को भी गोल्ड में कन्वर्ट करके देखते हैं। हाँ फ्रैंकल भैया इसके अंदर बैठो यार, तुम्हारे अंदर तो बहुत मस्त पावर आ गई। फ्रैंकल भैया ओपी यार तुम्हारे अंदर बहुत पावर आ गई, ये गाड़ी भी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई। अरे फ्रैंकल भैया आप कहाँ जा रहे हो ये तो बता दो। सिंचन मेरे ख्याल से ना हमको डगन बॉस के पास जाना चाहिए, उससे डील करेंगे ना बहुत फायदे में रहेंगे। उसके पास ना काफी सारी सुपर कार है, उनको हम गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उससे बहुत सारा पैसा ले लेंगे बैग भर के। अरे वाह फ्रैंकल भैया तुम्हारे अंदर तो बहुत ही दिमाग है। अरे हट जाओ सामने से हट जाओ, ए गोल्ड की गाड़ी। अरे गाइस गोल्ड की गाड़ी इस लड़की ने लग रहा है पहली बार देखी है, जब ही तो बोलती हुई गई है। हाँ फ्रैंकल भैया मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। फ्रैंकल भैया मैं क्या कहते यार डगन बॉस की गाड़ी छोड़ो ना यार, अपनी गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट करके उनको बेच दो। अबे सिंचन हमारे पास गाड़ी होनी भी तो चाहिए, मेरे पास सिर्फ एक बाइक और एक यही गाड़ी है यार। सुपर कार को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करेंगे ना तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। अबे सिंचन ये लाल वाली गाड़ी देख, इसकी गाड़ी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, रुक जा फिर इससे पैसे ले लेंगे। ए भाई ये तेरी गोल्ड के अंदर गाड़ी कन्वर्ट करूँ क्या? अबे कुछ तो बोल दे। अरे फ्रैंकल भैया तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अबे चले गए फ्रैंकल भैया, यार ये तो समझ ही नहीं रहे हमारी बात को। गाइस यार अगर मैं इसकी रेड वाली गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता ना गाड़ी तो गाइस ये गाड़ी बहुत ही महंगी बिक जाती। हाँ फ्रैंकल भैया यार जो गोल्ड होता है ना बहुत ही महंगा बिकता है, इससे पूछो क्या? नहीं गाइस इसकी तो वही पुरानी गाड़ी लग रही है। अट जा गाड़ी के सामने से अट जा, आजा सिंचन हमारी गाड़ी में बैठ, डगन बॉस के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन फ्रैंकल भैया डगन बॉस ना बहुत खतरनाक आदमी है यार, अगर उसने पैसे नहीं दिए हमें तो। सिंचन ये भी बात है, लेकिन यार सिंचन दे ही देगा पैसे यार, उसे मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। फ्रैंकल भैया जैसी गाड़ी बेचोगे उसके बाद मेरे को रिमोट कंट्रोल कार दिलाओगे ना? हाँ सिंचन एक बार पैसे तो आ जाते उसके बाद तेरे को रिमोट कंट्रोल कार दिलाऊंगा। अब सिंचन ये देख रॉयल रॉयस कार, ये तो सिंचन अगर गोल्ड में कन्वर्ट होगी ना बहुत महंगे में बिचेगी। ये मौका सिंचन मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आज इसकी गाड़ी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करके रहूंगा। ए ओए बाहर निकल, ए क्या है हमसे क्या मतलब है तेरे बाहर? अरे भैया ये गुड, अरे भैया अरे गिरा दिया भैया, गिरा दिया हमको, गिरा दिया। अबे तुम्हारी गाड़ी के पैसे दे दूंगा, भागो 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 चोर। अरे अरे चोर बोलिए तो। ए भाई तू चिंता मत कर, मैं देख गोल्ड में कन्वर्ट करता हूँ तेरी गाड़ी। ओए भागो 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 भागो। अरे फ्रैंकल भैया वो तो भाग गया यार, लेकिन देखो अपनी जो गाड़ी है वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई। अरे वाह सिंचन ये गाड़ी कितनी बढ़िया लग रही है यार गोल्ड के अंदर कन्वर्ट होके। हाँ फ्रैंकल भैया अभी से हम बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे ना? सिंचन बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब चलते हैं फटाफट से डगन बॉस के पास और उसकी गाड़ी भी गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे और उससे पैसे लेके आएंगे काफी सारे। फाइनली गाइस आखिरकार हम डगन बॉस के अड्डे पे पहुंचने वाले हैं। अरे फ्रैंकल भैया आगे तो रास्ता जाम है यार, कैसे निकलेंगे? अबे रुक जा सिंचन ये देख स्पीड से निकलेंगे बहुत तगड़े करके। गाइस ये डगन बॉस की टीम, आजा सिंचन इनसे बातें करते हैं। कौन आया है मेरे अड्डे पे? हाँ भाई बता क्या काम है मेरे से ये बता तू। अरे डगन बॉस मैं ना बहुत तगड़ी डील लेके आया हूँ आपके पास। अरे कौन सी डील लेके आया? अरे फ्रैंकल भैया जल्दी बताओ ना यार मेरे को रिमोट कंट्रोल कार भी खरीदनी है। अरे डगन बॉस मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगा और आपकी गाड़ी को ना मैं गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या बात कर रहा है, तुझे पता है तू किसके अड्डे पे है? बेटा तेरी गर्दन उड़वा दूंगा, तू एकदम जंगल के बीच में खड़ा है अभी। अरे नहीं नहीं डगन बॉस मैं एकदम सच कह रहा हूँ, मैं आपकी गाड़ी में बैठ के ना आपकी गाड़ी को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बता उसके बदले तुझे क्या चाहिए? अरे मेरे को ना थोड़े पैसे चाहिए बैग भर के। ठीक है तू मेरी गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट कर, उसके बदले मैं तेरे को काफी सारा पैसा दूंगा। वहां पे साइड में खड़ी है, और बस सिंचन ज्यादा जल्दी बहुत सुपर कार खड़ी है ये तो। अरे गाइस ये तो बहुत ही महंगी गाड़ी लग रही है, आजा सिंचन इनको फटाफट से गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। हाँ हाँ फ्रैंकल भैया करो करो यार, उसके बाद डगन बॉस को भी दिखाना, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ आजा सिंचन अब डगन बॉस को दिखाता हूँ। अरे भैया ये कैसे करा तुमने, तुमने हमारी गाड़ी को गोल्ड के अंदर कैसे कन्वर्ट कर दिया, हमें तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा। अब सिंचन इनकी दूसरी गाड़ी को भी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। गाइस ये गाड़ी भी काफी बढ़िया लग रही है सिंचन, काश ये गाड़ी हमको मिल जाए। अरे फ्रैंकल भैया काम करना ना यार, उससे एक्सचेंज कर लेना यार डगन बॉस से, अपनी रॉयल राइज इनको दे देना और ये गाड़ी लेके चलना। हाँ सिंचन ये भी सही कर रहा है, आजा इनसे बात कर लूँ। अब डगन बॉस मेरे को पैसे तो दे दे। ठीक है भैया पीछे पैसे रखे हैं जाके ले लो। गाइस पीछे कहाँ पे पैसे रख रखे हैं, इनका लग रहा है अड्डा होगा। और गाइस ये देखो पेटी भर के पूरा बक्सा भर के यहाँ पे पैसे रखे हुए हैं। सिंचन देख कितने सारे पैसे। अरे फ्रैंकल भैया इतने सारे पैसे, इतने में तो काफी रिमोट कंट्रोल कार आ जाएगी यार हमारी। फाइनली गाइस आखिरकार मैंने बक्सा और बैग पूरा भर लिया है पैसों से। फ्रैंकल भैया बहुत सारे पैसे आ गए हमारे पास। ठीक है भैया अब यहाँ से निकलो फटाफट से, भैया यहाँ पे ज्यादा देर रुकना नहीं, यहाँ पे पुलिस आ जाती है तुम्हें भी पकड़ लेगी और हमें भी पकड़ लेगी, फिर हम बचा नहीं पाएंगे तुमको। डगन बॉस मैं ना आपकी ये वाली गाड़ी ले जा रहा हूँ। ठीक है भैया हम तुम्हारी रॉयल रॉयस लग लेंगे और तुम हमारी गाड़ी ले जाओ। गाइस यार कितनी तगड़ी गाड़ी लग रही है, इसके अंदर ना सिंचन बूस्टर भी है जिसे हम भगा सकते हैं। अरे फ्रैंकल भैया बूस्टर को कैसे भगा सकते हो? तो गाइस यार अभी हम अपने घर पे पहुंचने वाले हैं और सिंचन मैं ना काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ यार, चॉप को बताऊंगा ना मेरे पास काफी सारे पैसे आ गए तो चॉप तो काफी खुश हो जाएगा। अरे लेकिन फ्रैंकल भैया ये गाड़ी इतनी बार क्यों ठोक दी यार तुमने? अबे सिंचन हमारे पास बहुत पैसा आ चुका है, ये गाड़ी को हम यूं
भी रिपेयर करा देंगे। अरे भाई यार फ्रैंकल भैया ओपी, फ्रैंकल भैया ओपी। गाइस मेरे फ्रैंकल भैया के लिए जल्दी से कमेंट में ओपी लिख दो यार, ताकि ये मेरे को रिमोट कंट्रोल कार्ड दिला दें। हां सिंचन, मैं तेरे को रिमोट कंट्रोल कार्ड तभी दिलाऊंगा जब ये लोग इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हां गाइस यार कर दो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। अबे भाई सब कलुए क्या लेके आया बैग भर के तू? अबे चॉप, इसके अंदर ना काफी सारा पैसा लेके आया हूं मैं भर के। अबे भाई साहब यार सिंचन ये सही बोल रहा है क्या? हां हां यार ये फ्रैंकल भैया सही बोल रहे हैं, इसके अंदर पैसा भरा हुआ है यार। अबे चॉप तेरे को भी कुछ चाहिए क्या पैसा? अबे भाई साहब यार मेरे को पेडिग्री चाहिए भाई, खिला दे। हां हां खिला दूंगा, क्यों ही टेंशन ले रहा है। अरे फ्रैंकल भैया रिमोट कंट्रोल कार कब दिलाओगे? सिंचन जब इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाएंगे ना तो मैं तेरे को रिमोट कंट्रोल कार दिला दूंगा। अरे यार गाइस आप लोग ना अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी से। गाइस इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट करा दो फटाफट से, ताकि मेरे को रिमोट कंट्रोल कार मिल जाए। हां गाइस यार फटाफट से गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिस किसी ने भी करा। और गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंचन को रिमोट कंट्रोल कार दिलाने वाला हूं। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस प्यारा वाला बाय।